पिछले क्लास में हम लोग कोहलास लॉ के एप्लीकेशंस देख रहे थे। अब हम लोग देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मीडियम, चौथा सॉल्वेशन ऑफ आयंस, पांचवा टेम्परेचर और छठा कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। वन बाय वन हम लोग इसको एक्सप्लेन करें। इस बार का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, इसलिए हम लोग उसी के हिसाब से तैयारी करें। लेकिन जिंदगी हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसके लिए भी तैयारी करें। हम लोग जानते हैं कि किसी दिए गए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। तो पहला फैक्टर था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। हम लोग कह सकते हैं कि एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, किसी दिए गए कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के तुलना में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स have greater electrolytic conductance than weak electrolytes. किसी दिए गए सिचुएशन में दिए गए कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से, इसलिए पर्टिकुलर कंडीशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, सो ग्रेटर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद हम लोग देखें नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को आयोनाइज करता है और इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग
डाइलेक्ट्रिक सिस्टम से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैव ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ आयनेशन आयोनाइजेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इन सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट में हैविंग ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ज्यादा हो। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? आयनिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को तोड़ने की क्षमता। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग अमोंग आयंस को ज्यादा तोड़ेगा, ज्यादा वीक करेगा, इसलिए एक्सटेंट ऑफ आयनेशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोलाइट लाइट्स हैविंग इन जनरल सॉल्वेंट्स हैविंग ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक क्या कहा गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सटेंट ऑफ आयोनेशन बढ़ता है जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा हेंस इन ए सॉल्वेंट having greater dielectric constant का मान ज्यादा हो। the electrolytes have greater extent of ionization ionization का magnitude ज्यादा होता है hence have greater value of लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम
कहते लैम्डा ई जीरो या लैम्डा ई इन्फिनिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा होगा जब एक्सटेंट ऑफ आयनेशन ज़्यादा होगा। ये कब होगा? जब पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। उसके बाद ये तीसरा फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तीसरा फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन या विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो यहां समझिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर depends on rate of movement of ions, ions के movement के rate पर, which increases with decrease in viscosity of solvent, solvent के viscosity घटने से ions का rate of movement बढ़ता है। And vice versa, viscosity बढ़ने से rate of movement घटेगा। इसलिए लैम्डा एम और लैम्डा ई इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग viscosity of medium। जो solution है उसका viscosity पर घटने से lambda m या lambda e का मान बढ़ता है। अब ये solvation of ions, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जैसे पोलर सॉल्वेंट वाटर हुआ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिजॉल्व करते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट में, तो वह आयंस में सेपरेट कर जाता है। अब इन आयंस के साथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाता है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स हैव पॉजिटिव
पॉजिटिव एंड निगेटिव पोल्स थ्रू विच दे गेट एसोसिएटेड, वो जुड़ जाते हैं विथ आयंस, इट इज कॉल्ड सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का आयंस का साथ जुड़ना क्या कहलाएगा? सॉल्वेशन ऑफ आयंस। जैसे अगर हम लोग NaCl को वाटर में डिजॉल्व किए, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन, निगेटिव एंड ऑक्सीजन। तो जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस उसको घेर लेता है, सभी तरफ से आयंस को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स घेर लेता है। ऐसे आयंस को क्या कहेंगे? सॉल्वेटेड आयंस। तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस बढ़ेगा तो आयंस का रेट ऑफ मूवमेंट क्या होगा? घटेगा। इसलिए कंडक्टेंस का मान घटेगा। इन जनरल जिस आयन का साइज छोटा होता है उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? विथ इंक्रीज इन सॉल्वेशन, इंक्रीज इन सॉल्वेशन या एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन आयनिक वेलोसिटी डिक्रीजेज, आयंस का वेलोसिटी घटता है एंड हेंस लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम जो लैम्डा ई जीरो डिक्रीजेज, विस्कोसिटी बढ़ने से उसके बाद सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ आयंस मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आयंस के साथ एसोसिएट हो जाता है, इससे क्या होगा? आयनिक वेलोसिटी डिक्रीज करता है। इसलिए लैम्डा एम जीरो या लैम्डा ई जीरो का मान डिक्रीज करेगा।
उसके बाद हम लोग फैक्टर देखें, पांचवा फैक्टर टेम्परेचर। विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ता है और सॉल्यूशन का विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, इसलिए लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इन्फिनिटी युवा इनफाइनाइट कंसंट्रेशन फाइनाइट डाइल्यूशन पर, किसी दिए गए कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम और लैम्डा ई का मान क्या होगा, इंक्रीजेज, इसका मान इंक्रीज करेगा। विद डिक्रीज इन या विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का मान बढ़ने से क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। तो लैम्डा एम जी का मान या लैम्डा ई का मान बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ आयंस, इसको हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन लगभग कंप्लीट होता है इवन एट हायर कंसंट्रेशन। हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ आयन या डाइल्यूशन ऑफ आयन के साथ लैम्डा एम जीरो का मान, लैम्डा एम का मान बढ़ेगा घटेगा, तो लैम्डा एम क्या हो गया, किसी दिए हुए कंसंट्रेशन पर और लैम्डा एम जीरो, जीरो कंसंट्रेशन पर, इस तरह से लैम्डा ई और लैम्डा ई जीरो। तो कंसंट्रेशन घटने पर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है, इसलिए लैम्डा एम या लैम्डा ई का मान बढ़ेगा। हम लोग क्या कहें, विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन या
increase in dilution of solution, increase in dilution of solution. हम लोग क्या करें, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस. इसका मतलब लैम्डा एम जीरो या लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा ई जीरो या लैम्डा ई इन्फिनिटी इंक्रीजेज. विथ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ आयन या इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना घटेगा, डाइल्यूशन जितना बढ़ेगा, उसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन उतना बढ़ेगा. इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का कंडक्टेंस बढ़ेगा. अब हम लोग डिस्कस करें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर का हम लोग कंडक्टेंस नहीं निकाल पा सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस. अगला टॉपिक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहें, कंडक्टेंस. तो बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. इसके लिए हम लोग क्या सब अरेंजमेंट करेंगे, तो किसी मेटलिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से. व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ. यहाँ भी हम लोग
उसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे जिसके चार आर्म होंगे, जिसमें से दो आर्म का रेसिस्टेंस नोन होगा, एक का निकालना है, एक का वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा बाय यूजिंग रेसिस्टेंस बॉक्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस।